क्या नाम है? जीशान। जीशान, जीशान जरा ऊंची आवाज में बात करनी है। आपकी उम्र कितनी है? 23-24 साल। 23-24 साल, क्या करते हो? मैं नानों का काम, नान वगैरह लगा। नान लगाते हो किसी की दुकान पर? नहीं, अपनी दुकान। अपनी दुकान पर, अच्छा जी। तो पहले शादी शुदा हो? जी। कितनी शादियाँ की हैं? मैंने एक ही की है मैडम, ये दूसरी की थी। ये दूसरी शादी है, पहली शादी नाकाम हो गई? नहीं, वो भी मेरे पास साथ ही हैं। जी, ठीक हो गया। बच्चे कितने हैं? तीन। तीन बच्चे हैं। इस खातून से शादी जिससे की है, इसका क्या नाम था? तैयबा। तैयबा से दोस्ती हुई थी? जी मैडम। कहाँ पे? इधर शहर में ही, दुकान के ऊपर ही। नान लेने आई थी? जी। फिर इसके साथ दोस्ती हुई मैडम जी, फिर शादी कर ली मैंने। दोस्ती की पेशकश किसने की थी? उसने की। क्या कहा था? कुछ नहीं, उसने कहा वैसे देखते, उसने कहा तुमसे मैंने, मुझे प्यार हो गया। मैंने मैडम जी फिर उसके साथ शादी कर ली 1-2 माह बाद। ठीक है। 3-4 साल मेरे साथ ही रही। 3-4 साल साथ रही है जी। कैसी जिंदगी गुजरी 3-4 साल? बस ठीक है मैडम जी, ठीक ही गुजरी। मुझे नहीं था पता, इसने पहले 5 शादियाँ की हुई। अच्छा जी, कब पता चला? बाद में इधर ऐसा जो सामने बताया था, वो भी उसका रिकॉर्ड निकला था, उसके शनाती कार्ड पे आया था उसने। अच्छा, 3-4 साल इंसान किसी के साथ वक्त गुजारते हैं ना, तो उसकी आदत से वाकिफ हो जी। जी मैडम जी, मैंने ना मैडम जी, मैं उधर भी रहता था घर में, इधर भी रहता था। हाँ। ये फिर गायब हो जाती थी, कहाँ जहाँ मर्जी चली जाती थी, मुझे नहीं पता चलता था। बता के नहीं जाती जी? नहीं मैडम जी, मैं कितने दिन के लिए जाती? कभी 4 दिन, कभी 10 दिन नहीं आती। मैं इधर फिर दूसरे घर आ जाता था, अपनी दुकान पे भी टाइम देना होता था। ठीक है। इसी वजह से मैं फिर दुकान पे भी रहता था, तो जब जहाँ मर्जी, मैंने भी इसको इतना अपनी दुकान भी सब इसके पीछे बहुत बर्बाद किया, तो मुझे नहीं पता चला। इसने मैडम जी मेरी शादी के ऊपर भी 2 शादियाँ की। मेरी शादी? आप पांचवें शौहर हैं जी? पांचवें हो जी? आपके बाद 2 किए? जी 2। बताओ जरा उन शादियों के बारे में, बताओ कैसे कर लेती थी? क्या पिछले खावत से तलाक लेती थी? नहीं, उसके ऊपर ही मैडम जी। निकाह प्रॉपर करते थे? जी मैडम जी, मैंने निकाह किया। कैसे किया था? लिखत पढ़त की थी? जी जी। निकाह नामे पे साइन किए थे? जी जी, हर चीज की थी। इसने मुझे पहले नहीं था पता 5 निकाह किए हैं इसने, पहले भी 2 मेरे निकाह के ऊपर किए। जब मुझे वो पता चला, फिर मैडम जी मुझे गुस्सा आ गया, मुझे बर्दाश्त नहीं, मैंने इसके पीछे हर चीज बर्बाद कर दी थी। तो मुझे भी झगड़ा किया जी, हर चीज की मैंने मैडम जी। अच्छा, मुझे बताओ इसने आपको अपने जाल में फंसाया कैसे था? क्या कहा था? तुमसे प्यार हो गया, बहुत अच्छे लगते हो ऐसे, इसने मुझे। क्या कहा? बस इसने कहा आपका कारोबार भी अच्छा है वैसे। मैंने कहा ठीक है मैडम जी, फिर मैंने इसके साथ शादी कर। ठीक है, तो शादी में कोई हक महर, कोई जेवर शेवर की डिमांड भी की थी? नहीं मैडम जी, इसने लिखा हुआ था 1,00,000 रुपए। कितने लाख? 1,00,000। 1,00,000 रुपया इसने लिखवाया था जी। अच्छा ठीक है, शादी के बाद आपने इसको किराए पे रखा होगा जी, बाहर घर से चोरी जी? अच्छा, तो दुकान के पास ही? दुकान के पास। कुछ वक्त इधर गुजरता होगा, कुछ उधर गुजरता होगा जी मैडम, ऐसे ही है जी। जब बाहर शादी की जी, तो किसने बताया आके कि तुम्हारी बीवी ने शादी कर ली है? मुझे मैडम जी, मैंने एक दिन किसी के साथ जाते देखा है। किसी के साथ जाते देखा था? कौन था वो? फिर मैंने पता किया, मोहल्ले से पूछा, उसने कहा ये तो इधर शादीशुदा है। शादीशुदा है जी। जब वो घर से गायब होती थी तो इधर रहती होगी जी। अच्छा फिर? फिर मैडम जी मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैंने जब मेरे पास आई थी तो फिर मैंने इससे पूछा था, ये मुझे फिर कहती ऐसे वैसे सो बातें बनाने बहाने। आपने उस आदमी से क्लियर नहीं किया कौन है ये, किसके साथ जा रही थी? जी किया था। क्या कहता? वो कहता मेरी वाइफ है। मैं फिर चुप करके मैडम जी वापिस आ गया। जाहिर आपने कहा ये तो मेरी बीवी है, उसने कहा ये तो मेरी बीवी है जी मैडम। फिर मैं वापिस आ गया शॉप पे, फिर मैं काम करने लग पड़ा। फिर जब ये वापिस आई, मैंने इससे पूछा, ये मेरे पास मान नहीं रही थी, कहती ऐसे वैसे, तो सौ बहाने लगाने लग पड़ी। मैंने फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैंने से। ठीक है, तो कहाँ लेकर गए आप इसको मारने के लिए? कहीं भी नहीं ले गया, इधर से मैं मेरे साथ गई थी अपनी बहन के घर, उधर से वापस आ रहे थे। इसने कहा मैं 2-3 दिन बाद आ जाऊंगी मैडम जी, फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा शायद इसने फिर जाना है, किसी उधर जाना है। हाँ। जी मैडम जी, फिर मैंने इसे मार। नहीं, कहाँ लेकर गए, किससे मारा? कहीं पिस्टल से। पिस्टल से मारा? पिस्टल कहाँ से लिया? दोस्त से लिया। दोस्त से जी। कितनी गोलियां मारी? 2 गोलियां मारी, वहीं पे फेंक के चले गए जी। फिर पुलिस ने कहां से पकड़ा? मैं खुद ही पेश हुआ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि शादी के 3-4 साल कैसे गुजरे थे? बस ये मैडम ही, कभी ये घर आती थी, कभी नहीं भी आती थी, फिर ऐसे ही निजाम चला। मैं कारोबार में मसरूफ रहता था दुकान पे। ठीक है। मैं अपने घर भी आना होता था भाई के पास, तो इधर भी उधर भी बस रहता था इसी वजह से बस। अच्छा, जब किसी औरत से निकाह पढ़ते हैं जी, शादी करते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? उसको अपनी इज्जत बना लेते हैं ना जी। निकाह का मतलब जी मैडम,
किसी को अपनी इज्जत बना देना, अब ये मेरी इज्जत है, ऐसा ही है ना? जी, तो जब आप किसी से निकाह करते हैं, शादी करते हैं, तो आप उसकी जांच पड़ताल करते हैं पूरी? जी। की थी तुमने? मैडम मैंने नहीं किसी की, मैंने मेरी बस लव स्टोरी थी, इसी वजह से मैंने किसी से पूछा नहीं, मैंने सबसे बढ़ के शादी की। आपको ये था कि ये सच्ची है, ये ठीक है, इसको मुझसे प्यार है? जी मैडम। एतबार में मारे गए? जी एतबार में मारे गए। जी जी। अच्छा मुझे इस बात का जवाब दो कि शादी के बाद इसने कभी तुमसे पैसों की डिमांड की थी? नहीं मैडम, ये मुझे बहुत ज्यादा करती थी। जी मैडम। क्या कहती थी? कहती मुझे पैसे दो, जब भी फिर जितने भी मुझसे होते थे मैं दुकान से इसे दे देता। ये पैसे लेके कहाँ जाती थी, किसको देती थी? अपने घर वालों के पास ही जाती थी, कभी उनके पास, कभी इधर से लेके घर चली जाती थी। घर वालों से मुराद कौन? अपने माँ बाप। माँ बाप? माँ तो है नहीं ना दुनिया पे? जी के है? है थी, अभी फोत हुई है वो। अभी फोत हुई है। अच्छा मुझे बताओ, जो पैसे लेती थी वो अपने माँ बाप को दे देती थी? जी। इसका मतलब है कि माँ बाप के साथ रابطے में थी? जी, हर चीज का उन्हें पता था। ओके। अपने ससुराल कभी गए थे तुम? जी बहुत ज्यादा मरतबा जाते थे। जी। निकाह तो किया था अलैदगी से, चोरी छुपे। निकाह के कितने अरसे के बाद अपने ससुराल गए थे? जी मैडम बस थोड़ी देर बाद, इसकी जब इसकी मामा ने कहा आ जाया करो घर, कोई मसला नहीं, ठीक है, तो उसने फिर मुझे ये भी कहा था, ये बहुत तेज हो रहा था, इससे जरा बच के रहना। सास ने कहा? जी, मुझे पता नहीं था दामाद को कि मेरी बेटी बहुत तेज तरार हो रहा है। अच्छा फिर? जी, उसने कहा ये ठीक नहीं है। मैंने कहा पता नहीं, वैसे जब उसने शादी बाहर कर ली शायद इसी वजह से कहती। ओके। तो बस इसी मामले में मैंने यही सोचा कि मैंने कहा ये इसी वजह से कहती, मैंने इस बात पे गौर ही नहीं किया। फिर उसके बाद फिर आना जाना रहता था? जी मैं कम ही जाता था। मैं बाकी फैमिली बहने होते ना, कुछ बच्चे खराब हो जाते हैं तो वालिदैन उनको बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, सीधा रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं, तो इनकी मामा ने मुझे बहुत मरतबा कहा था इससे जरा बचो, मैंने मैडम जी पर गौर ही नहीं किया। और वालिद साहब ने, बाप ने? जी वालिद साहब वो तो कभी मुझसे मुलाकात ही नहीं, ज्यादा था कभी बात ही नहीं मैंने की उनसे। अच्छा जी, मैं अभी थोड़ी देर बैठा था, मैं अपने घर आ जाता। अच्छा अब तुम्हें प्यार हो गया ना लड़की से? जी। प्यार के बाद तुमने शादी कर ली? जी। अब तुमने शादी निकाह इसलिए किया जो कि बड़ा एक अच्छा स्टेप है कि चलो इसको अपने पास रिश्ता बनाया जाए, इसको हलाल रिश्ता बनाया, तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन तुमने जायज रिश्ता बनाते हुए जिस औरत को निकाह में लिया उसकी जाँच पड़ताल नहीं की, ये तुमसे गलती हो गई। जी। फिर वो तुम्हारे घर आके रहना शुरू हो गई। अब क्या कहोगे तमाम आशिकों को जो लव मैरिज कर लेते हैं, पता आता करते ही नहीं है लड़की कौन कहाँ कैसे? देखो आज हथकड़ी में खड़े हो। जी मैडम। खड़े हो ना? जी मैडम जी, बस गलती हो गई है यही मुझसे कि जो पूछा नहीं किसी से भी, ना ही मशवरा किया और अपनी मर्जी की। कत्ल क्यों किया मैडम जी? बस यही मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा जिसने मेरी रास्ता नहीं, मैडम मैंने ये बात सोची नहीं क्योंकि मेरे साथ उसने प्यार किया लव स्टोरी, इतनी देर मैंने हर चीज़ अपनी उसके पीछे बर्बाद कर ली, माँ बाप भी दुश्मन बना लिए, तो मुझे कहा मैं कहा जो मेरी नहीं फिर किसी की नहीं। एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, अंधा एतमाद, प्यार और प्यार के बाद मोहब्बत, मोहब्बत के बाद इश्क, इश्क के बाद हुआ ये जो आपके सामने है, ऐसा ही हुआ ना? अब है कोई प्यार श्यार? कोई नहीं। कोई नहीं मैडम जी, अब होगा भी और मैं नहीं करूँगा। होगा क्या, वो तो गई दुनिया से। बस यही, अब दिल ही नहीं करना जितना याद बस आती है, हवालात में जब बैठते हो तो याद आता है। जी मैडम जी, इतना प्यार किया था मगर बस मेरी घर ने गुवारा नहीं। प्यार करते थे? क्या करते थे, ध्यान रखते थे? नहीं, वो उसके पास ही रहता था बस। पाँव शाव दुबाते थे? नहीं, खिदमत करते थे? जी मैडम, खिदमत करते थे। जी, इसमें कोई बुराई बुरी बात नहीं है। जी, अल्लाह ताला का हुक्म है, मियाँ बीवी को आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। जी, वो तो बीवी थी ना। जी मैडम, याद आती है? जी। दुख होता है? जी मैडम, दुख तो होता है।